नाइन्थ लेसन फाइव द हैप्पी प्रिंस। प्रिंस जो है राजकुमार का नाम है, एक राजकुमार, प्रसन्न राजकुमार, एक सुंदर मूर्ति था, उसे सोने से ढका गया। उसकी आंखें नीलम जैसी थी और उसकी तलवार में रूबी मतलब एक लाल रत्न का नाम है वो लगा हुआ था, और वह सोने और बहुमूल्य चीज़ों को क्यों त्यागना चाहता था। तो ये इस लेसन का सार है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई डू कॉटीज कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? दरबारी लोग राजकुमार को द हैप्पी प्रिंस कहकर क्यों पुकारते थे? क्या यह सच में प्रसन्न है? क्या वह चारों ओर क्या देखता है? आंसर, द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैच्यू। द कॉटरीज कॉल्ड हिम टू हैप्पी बिकॉज देयर वॉज नो सॉरो इन अ पैलेस, बट ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल। ही सीज मिजरी ऑफ द पीपल अराउंड हिम। प्रसन्न राजकुमार एक सुंदर मूर्ति थी, दरबारी लोग उसे हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे क्योंकि महल में कोई दुखी नहीं था, किंतु वह सुखी भी नहीं था। वह अपने चारों ओर दुखी व दर्द भरे लोगों को देखता था। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द स्टीम स्ट्रेस? व्हाट डज द सोलो डू इन द स्टीम स्ट्रेस हाउस? मतलब, प्रसन्न राजकुमार दर्जन के लिए रूबी क्यों भेजता है? अबालिन दर्जन के घर में क्या करता है? आंसर, द स्टीम स्ट्रेस बेबी इज इल। द बेबी वॉन्ट्स ऑर्गेन्स बट शी हैज नो मनी। Her hands are all pricked by needle. The prince sends the solo to give a ruby to help her. दर्जन का शिशु बीमार है, वह संतरे चाहता है, पर दर्जन के पास कोई भी पैसा नहीं है। उसकी उंगलियां सुई की चुभन से भरी हैं। राजकुमार उसकी सहायता करने के लिए अबालिन द्वारा एक रूबी भेजता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, फॉर हूम Does the prince send the sapphires and why? राजकुमार किसके लिए नीलम भेजता है और क्यों? The prince sends a sapphire for the young playwright. He has to finish a play for the director of theatre, but he can't do so. He also sends a sapphire for the match girl. राजकुमार ने एक नीलम नाटक के नौजवान लेखक को भेजा। उसे नाटक के निर्देशन के लिए एक नाटक समाप्त करना था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा नीलम वह माचिस बॉक्स भेजने वाली लड़की के लिए भेजता है। क्वेश्चन नंबर फोर, What does the solo see when it flies over the city? अबालिन जब शहर पर उड़ता है तो क्या देखता है? The solo flew over the city. He saw the rich making merry in their beautiful houses. At the gates the beggars were sitting. He saw the white faces of the hungry children. अबालिन जब शहर पर उड़ता है तो उसे धनी आदमियों को सुंदर घरों में आमोद प्रमोद मनाते देखा। भिखारी गेट्स पर बैठे थे, उसके भूखे बालकों के सफेद चेहरे देखे। उसने चौकीदार को भी वहां से भागते देखा, वे उधर उधर बारिश में भटकते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी? व्हाई आर दे प्रीशियस? कहानी में दो बहुमूल्य चीजें कौन सी हैं और वे बहुमूल्य क्यों थीं? आंसर, द टू प्रीशियस थिंग्स आर द हर्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड सोलो। दे आर प्रीशियस बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द मिस्ट्री ऑफ द पीपल। दे हैव ऑल्सो हेल्प देम। दे सेक्रीफाइस देमसेल्व्स फ्रॉम द सेक ऑफ अदर पीपल। टू हेल्प अदर्स इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द वर्ल्ड। गुड गॉड ऑल्सो रिवार्ड्स देम। वे दो अत्यंत बहुमूल्य वस्तु
अबालील, ये बहुमूल्य वस्तु इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने लोगों के दुर्भाग्य को देखा और उनकी सहायता की। उन्होंने लोगों के लिए त्याग भी किया। दूसरों की सहायता करना बहुत बहुमूल्य है, ईश्वर भी उनको पुरस्कार देता है। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग, गिल्ड कवर विथ गोल्ड लीफ, मतलब है सोने की पत्ती चढ़ाना। नेक्स्ट, सैफायर क्लियर ब्राइट ब्लू जेवल, मतलब नीलम को कहा गया है, नीलम एक रत्न होता है उसके लिए। नेक्स्ट है स्वेलो, SWALLOW, अ किंग ऑफ अ बर्ड, मतलब एक पक्षी का नाम है ये, जो राजा होता है वो होता है, इसका नाम है अबाबीन। PLENT by plenty, too much, मतलब होता है काफी, पर्याप्त है। Next है CURIOUS, curious, strange, मतलब अजीब। ठीक, DRENCH, drench, drench मतलब गीला या नम, नमी होना। नेक्स्ट है MISERY, misery, great, suffering, discomfort, इसका मतलब होता है तंग हाली। नेक्स्ट है स्टीम स्ट्रेस, अ वुमेन मेक्स अ लिविंग बाय सेविंग, दर्जिन का नाम है। नेक्स्ट THIMBLE, थिम्बल, अ मेटल और प्लास्टिक कैप फॉर द फिंगर, उंगली की टोपी। नेक्स्ट है GARRET, गैरेट, मतलब होता है अटारी। नेक्स्ट है PROS, PECT, मतलब होता है प्रोस्पेक्ट, यानी आगे देखना, आउटलुक। नेक्स्ट है CRISP, मतलब होता है क्रिस्प, मतलब हार्ड एंड ड्राई, यानी कुरकुरा। नेक्स्ट लास्ट WITHERED, withered means होता है फैरेट, means होता है मुरझाए हुए।